हेलो एंड वेलकम बैक टू माइक्रोबल कॉन्सेप्ट्स तो ये हमारा सेकंड पार्ट है फॉर एनिमल सेल लाइन ओके ऑलरेडी एक पार्ट एक वीडियो जो है वो अपलोड किया गया है यूट्यूब चैनल पे आप वो चेकआउट कर सकते हैं जिसमें प्राइमरी कल्चर क्या होता है सेकेंडरी कल्चर क्या होता है सेल लाइन और सेल कल्चर का डिफरेंस क्या है फिर फाइनाइट और कंटिन्यूस सेल लाइन में क्या डिफरेंस होता है ये सारी बातें वहाँ पर मैंने डिस्कस की है तो इस सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल्स इन कल्चर फिर डिसोसिएशन ऑफ सेल्स फ्रॉम टिश्यू तो इसमें दो टाइप्स है दो मेथड्स यूज किए जाते हैं वो है मैकेनिकल एंड एंजाइमेटिक तो हम ये दोनों पढ़ेंगे फिर ट्रिप्सिनाइजेशन पढ़ेंगे ठीक है एंड उसके बाद अडियर कल्चर और सस्पेंशन कल्चर में क्या डिफरेंस होता है ये इस वीडियो में हम कवर करेंगे ठीक है तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है एक और पार्ट होगा दैट इज थर्ड पार्ट और टोटल थेरी कंसेप्ट के रिलेटेड थ्री पार्ट्स में अपलोड कर रही हूँ फ्री वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ मेरे चैनल पे आप वो देख सकते हैं एंड उसके बाद मैं फ्रेशर कैंडिडेट के लिए और एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए सेल लाइन फर्मेंटेशन के ऊपर क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में इसके ऊपर वीडियो अपलोड करूंगी ठीक है तो ये है हमारा सेकेंड पार्ट सो so, सबसे पहले बात करते हैं वॉट इज दी मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल्स इन कल्चर सो जो सेल्स हम सेल लाइन में ग्रो करते हैं वो हम थ्री बेसिक कैटेगरीज के ऊपर हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं ठीक है वो क्या है उनका शेप और अपियरेंस ठीक है सो शेप एंड अपियरेंस इसे हम एक टर्म है जो है मॉर्फोलॉजी जिसका मीनिंग है कि कैसे दिखता है ओके okay? मॉर्फोलॉजी का मीनिंग है अपियरेंस कैसा है उसका शेप कैसा है ठीक है जो सेल हम हम स्टडी कर रहे हैं वो दिखने में कैसी है बाहर से ठीक है उसे हम बोलेंगे मॉर्फोलॉजी ठीक है जैसे हम बैक्टीरिया में कॉलोनी uh, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं सही है जो कि मॉरफोलॉजी होती है सेल के कॉलोनी के बैक्टीरियल सेल के कॉलोनी के तो यहाँ पर बात करेंगे थ्री डिफरेंट बेसिक कैटेगरीज है जहां पर या फिर जो हम यूज करते हैं फॉर सेल्स इन सेल लाइन तो फर्स्ट है फाइब्रोब्लास्टिक जो कि इस तरह दिखते हैं आप देख सकते हैं ऐसे लंबी इलांगेटेड -लंबी शेप होता है एंड एक दूसरे को अटैच होकर ग्रो करती है सब स्ट्रेट में ठीक है फिर आता है इपिथेलियल सो इपिथेलियल लाइक सेल्स दे आर पॉलीगोनल इन शेप मतलब दो तीन उसके उसको साइड्स हो सकते हैं या फिर ज़्यादा साइड्स भी हो सकते हैं ठीक है विथ मोर रेगुलर डायमेंशन है वो एक जैसी ही रहेगी और वो भी एक दूसरे को लग कर चिपक कर और सबस्ट्रेट को चिपक कर ग्रो करते हैं ठीक है इन डिस्क्रीट पैचेस तो पैच में भी आप इपिथेलियल सेल्स को देख सकते हैं कभी कभी बहुत लंबी लंबी आपको आ, लेयर मिल सकती है तो कभी कभी आपको पैचेस में भी वो ग्रो कर रहे हैं ऐसा दिख सकता है उसके बाद है लिम्फोब्लास्ट लाइक सेल्स सो दीज आर स्पिरिकल इन शेप एंड यूजुअली दे ग्रो इन सस्पेंशन विदाउट अटैचिंग टू अ सर्फेस ठीक है तो देर आर टू बेसिक सिस्टम्स ऑफ ग्रोइंग सेल्स इन कल्चर तो दो सेल्स बेसिक uh, सिस्टम्स क्या है जो सेल कल्चर में हम यूज करते हैं फर्स्ट इज मोनोलेयर ऑन एन आर्टिफिशियल सबस्ट्रेट यानी जो चिपक कर ग्रो करती है एक लेयर बनाती है सबस्ट्रेट uh, के ऊपर उसे बोलते हैं हम मोनोलेयर और दूसरा होता है सस्पेंशन कल्चर ठीक है जो कि फ्री फ्लोटिंग सेल्स होते हैं कल्चर मीडिया में तो इन दोनों का डिफरेंस अभी हम आगे बढ़ेंगे ठीक है तो एक बार रिवाइज करते हैं थ्री बेसिक कैटेगरीज जो सेल कल्चर में हमें दिखने मिलती है यानी मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट इज फाइब्रोब्लास्टिक जहां पर बहुत लंबे लंबे सेल्स होते हैं इज यानी यानी पॉलीगोनल कभी उनको चार साइड्स हो सकते कभी पांच कभी ज्यादा हो सकते तो लिम्फोब्लास्टिक यानी जो गोल गोल सेल्स होती है एकदम सर्क्यूलर स्पिरकल शेप्स ओके तो ये जो है ये ग्रो करती है ज्यादातर सस्पेंशन में तब हमें लिम्फोब्लास्ट लाइक सेल्स मिलती है ठीक है तो ये हो गया मॉर्फोलॉजी के बारे में अभी हम पढ़ते हैं टू बेसिक सिस्टम्स फॉर ग्रोइंग सेल्स दैट इज अडियरेंट कल्चर एंड सस्पेंशन कल्चर तो दोनों में डिफरेंस क्या है तो ये अभी देखते हैं सो फर्स्ट इज अप्रोप्रिएट फॉर मोस्ट सेल टाइप्स इंक्लूडिंग प्राइमरी कल्चर यानी हम प्राइमरी कल्चर हो तो भी हम अडियरेंट कल्चर में उसको ग्रो कर सकते हैं यानी उसको सबस्ट्रेट देकर ग्रो कर सकते हैं सस्पेंशन कल्चर ट uh, so, को छिपक कर, कर ग्रो नहीं करते वो सस्पेंशन uh, में ही ग्रो करेंगे उन्हें सबस्ट्रेट की जरूरत नहीं है ठीक है या फिर सरफेस की जरुरत नहीं है तो ऐसे ऑलरेडी कुछ सेल लाइन्स है जो हम पहले से ही सस्पेंशन में ग्रो करते हैं ठीक है या फिर कुछ ऐसे सेल लाइन है जो अभी अडाप्ट हो गए हैं बार बार पसार्जिंग करने की वजह से हो या ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हो कुछ भी हो वो अभी अडोप्ट हो चुके हैं फॉर सस्पेंशन कल्चर ठीक है देन अडियरन कल्चर रिक्वायर्स पीरियोडिक पसार्जिंग ठीक है यानी हमें बार बार उन्हें नई स्पेस नए न्यूट्रिय देने पड़ते हैं तो ज्यादा पसार्जिंग हमें अडियर कल्चर में करना पड़ता है बट इट अलाउज इजी विजुअल इंस्पेक्शन अंडर इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप तो है वो हम, directly, uh, inverted microscope के under, हम उनका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं स्टडी कर सकते हैं कल्चर्स आर ऑल्सो ईजियर टू प्रसार्ज बट दे रिक्वायर डेली सेल काउंट्स ओके यहाँ पर एक काम बढ़ जाता है वो है कि सेल हमारे जिंदा है कि नहीं और उनका काउंट कितना है ये हमें पहले देखना पड़ता है ठीक है टू फॉलो ग्रोथ पैटर्न कल्चर कैन बी डायल्यूटेड टू स्टिम्युलेट ग्रोथ अगर बहुत ज्यादा सेल्स ग्रो हो रहे हैं तो हमें उन्हें डायल्यूट करके फिर से हमें उनको ग्रोथ के लिए स्टिमुलेट करना पड़ता है या फिर नया मीडिया दे के हमें हम उन्हें स्टिम्युलेट करते हैं फिर से ग्रो करने के लिए ठीक है देन अडियर एंड कल्चर सेल्स आर डिसोसिएटेड एनजायमेटिकली यानी ट्रिप्सिन ट्रीटमेंट दी जाती है और मैकेनिकल दोनों भी यहाँ पे हमें वो ऑलरेडी सस्पेंशन में है तो उन्हें यहाँ पर अलग करने की डिसोसिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती राइट right? हमें यहाँ पे एंजाइमेटिक मैकेनिकल डिसोसिएशन के मेथड्स जो है वो हमें यूज नहीं करने पड़ते फिर अडियर कल्चर में ग्रोथ जो है वो लिमिटेड है जितनी सरफेस है उतनी ही ग्रोथ होगी ओके okay? तो यहाँ पर जो है विच में लिमिट योर इल्ड जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमें उतना ही मिलेगा लेकिन सस्पेंशन कल्चर में ग्रोथ इज लिमिटेड बाय ऑफ सेल्स इन मीडियम अलाउज इजी तो जितना मीडिया है उसको कुछ तो लिमिट होता है सही है ज्यादा भी अगर सेल्स ग्रो कर ले तो जल्दी न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएंगे और हमें फिर से नया मीडिया उन्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा राइट ऐसे ही हम बैक्टीरियोलॉजी में भी पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिमिटेशन क्या आती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल्स इन द मीडियम ठीक है अगर हम वो कंट्रोल कर पाए तो हमें ईजी और ज्यादा इल्ड मिल सकती है और अगर ज़रूरत पड़े तो हम स्केल अप भी कर सकते हैं ठीक है ठीके? अभी अडियरन कल्चर दे रिक्वायर टिश्यू कल्चर ट्रीटेड वेसल्स यानी जो टिश्यू कल्चर के लिए ऑलरेडी वेसल्स आते हैं ओके okay? कुछ उनके स्पेसिफिक डायमेंशन होते हैं स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है वही वेसल्स को हमें यूज करना पड़ता है फॉर अडियर कल्चर्स ठीक है सस्पेंशन कल्चर में दे कैन बी मेनटेन इन कल्चर वेसल्स दैट आर नॉट कल्चर टिश्यू कल्चर ट्रीटेड बट रिक्वायर्स एजिटेशन यानी सस्पेंशन में होने की वजह से लिक्विड ब्रॉथ होने की वजह से हमें उन्हें बार बार स्टरिंग करना पड़ता है मिक्सिंग करना पड़ता है शेकिंग करना पड़ता है ठीक है टू

मेथड uh, में फेड बैच बैच कंटिन्यूस ये जो हम फर्मेंटेशंस uh, में टाइप्स पढ़ते हैं वो यहाँ पर बात की गई है ठीक है यहाँ पर कंटिन्यूस है तो यहाँ पे बैच हार्वेस्टिंग है ओके नाउ वी विल स्टडी डिसोसिएशन ऑफ सेल्स फ्रॉम टिश्यू तो क्या स्टेप्स होते हैं ठीक है थीके? कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ uh, टिश्यूज या फिर किसी टिश्यू या किसी ऑर्गन से हम इजीली सिर्फ मैकेनिकल ट्रीटमेंट देकर सेल डिसोसिएट नहीं कर सकते यानी जो सिंगल सेल हमें चाहिए फर्स्ट प्राइमरी कल्चर ग्रो करने के लिए तो वहाँ पर जब हम मिनसिंग करते हैं मैकेनिकल डिसग्रीगेशन करते हैं तो कभी कभी एंजाइमेटिक करते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सेल्स बहुत एक दूसरे को टाइटली uh, अटैच्ड है तो क्या हो जाता है कि सिर्फ मैकेनिकल डिसेग्रीगेशन अप्लाई नहीं हो जाता ठीक है नहीं कर सकते हम क्योंकि हमें वहां पर सिंगल सेल नहीं मिलेगी तो हमें क्या करना पड़ता है हमें एंजाइमेटिक डिसग्रीगेशन का मेथड भी यूज करना पड़ सकता है ठीक है तो कभी कभी सिर्फ कोई दोनों में से कोई एक मेथड यूज करके भी हमारा काम हो सकता है तो दो टाइप से डिसोसिएशन के फर्स्ट इज मैकेनिकल डिसेग्रीगेशन और दूसरा है एंजाइमेटिक तो यहां पर पढ़ते हैं सबसे पहले मैकेनिकल डिसेग्रीगेशन ठीक है तो हमें यहाँ पर क्या करना है हमें टिश्यू चाहिए ओके सो मैकेनिकल मेथड में इंक्लूड मिंसिंग ग्राइंडिंग और चॉपिंग द टिश्यू यूजिंग स्कैल्पल सीज़र्स और होमोजिनाइज तो हमें जो टिश्यू है वो अच्छे से बारीक करना है चाहे मे बी आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे बट वी नीड टू मे बी मिन्स इट मींस बहुत छोटा छोटा उसे बारीक करना है क्योंकि हमें एक सिंगल सेल उसमें से निकालना है तो इसमें से आप कुछ भी यूज कर सकते हो मिनसिंग कर सकते हो ग्राइंडिंग कर सकते हो या फिर चॉपिंग कर सकते हो ठीक है तो क्या यूज कर सकते हैं हम हम यूज कर सकते हैं स्कैल्पल्स सीजर्स या फिर होमोजेनाइजर ये डिपेंड करता है आपके टिश्यू के ऊपर ठीक है लेकिन अभी हम यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं पढ़ रहे है तो सिर्फ हम ये याद रखेंगे कि हाँ यहाँ पे क्या मेथड्स यूज की जाती है और क्या मिंसिंग uh, या ग्राइंडिंग या चॉपिंग के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं तो चलो समझ लेते हैं ये हमारा एक टिश्यू है हमने उसे चॉप किया यूजिंग क्रॉस्ड स्कैल्पर या फिर सीजर से ठीक है फिर हमने उसे वॉश किया एंड उसके बाद हमने उसे ट्रांसफर किया टू फ्रेश फ्लास्क ठीक है तो यहाँ पर वॉश करने के बाद फिल्टर करने के बाद आपको सिंगल सेल मिल जाएगा वो आप आगे यूज कर सकते हो फॉर योर प्राइमरी कल्चर ठीक है अभी बात करते हैं एंजाइमेटिक डिसएग्रीगेशन तो इट इज यूज टू ऑपटेट सिंगल सेल फ्रॉम सॉलिड टिश्यू ओके एंड क्रिएट होमोजेनियस सेल पॉपुलेशन फॉर वेरियस एप्लीकेशंस अभी होमोजेनियस सेल पॉपुलेशन चाहिए हमें क्योंकि हमें आगे जाके यही सेल लाइंस हमारे किसी प्रोडक्ट के लिए या किसी पर्टिकुलर रिसर्च के लिए हमें यूज करने हैं तो हमें कोई दूसरी सेल लाइन या फिर दूसरा टाइप ऑफ सेल उसमें ग्रो नहीं होना चाहिए ये हमें श्योर sure करना पड़ता है सो जब आप फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करते हैं और डेवलपिंग योर सेल लाइंस इट इज वेरी नेसेसरी टू बी श्योर दैट यू आर गेटिंग अ सिंगल सेल हम सिंगल सेल ही लें जिसे हम बैक्टीरियोलॉजी में प्योर कॉलोनी यूज करते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए तो यहाँ पर हमें फोकस करना है कि हम जब प्राइमरी सेल लाइन को ग्रो करने के लिए डालें तो तब हम सिर्फ एक अच्छा हेल्दी सिंगल सेल जो टिश्यू या ऑर्गन से हमने किया है, डिसोसिएट किया है वही यूज करें। क्यों क्योंकि हमें आगे होमोजेनियस सेल पॉपुलेशन चाहिए टिश्यू टाइप एंड इट्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ई सी एम इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का कंपोजिशन ओके okay? तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यानी जो सेल प्रोड्यूस करती है ओके okay, सेल uh, के बाहर कुछ एक्स्ट्रा स्टिकी सब्सटेंस है जिसे भी हमें ट्रीट uh, करके हमें दो सेल्स को अलग करना पड़ सकता है ठीक है तो आपका जो टिश्यू टाइप है उसके ऊपर और कितना ई सी एम कंपोजिशन है स्ट्रॉन्ग है माइल्ड है उसके ऊपर आप आगे एंजाइम्स यूज कर सकते सो फर्स्ट so देखते हैं फर्स्ट इज प्रोटिटिक एंजाइम सो एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन कोलेजिनेज डायस्पेज आर फ्रिक्वेंटली यूज टू डाइजेस्ट प्रोटीन इन दी एम हेल्पिंग टू लूज इन द सेल 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 एंड मैट्रिक्स इंटरेक्शन ठीक है तो दो सेल्स के बीच में फिर सेल और अगर कोई मैट्रिक्स है कोई है जिसके ऊपर सेल चिपक के ग्रो हो रहा है तो उसे ब्रेक करने के लिए हम एंजाइम्स यूज करते हैं तो आगे हम पढ़ेंगे ट्रिप्सिनाइजेशन के बारे में यानी जहां पर ट्रिप्सिन की ट्रीटमेंट दी जाती है अगला है डीएनएज यानी डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियस उनका डीएनए बाहर आ सकता है तो जो एक्स्ट्रा डीएनए है जो हमें नहीं चाहिए हमारे एक्सपेरिमेंट में वो इंटरफेयर ना करे इसके लिए हम डीएनएज यूज करते है जो की रिलीज दूसरे सेल से अगर कोई डीएनए रिलीज हो चुका है तो वो उसे डिग्रेड करेगा देन वी हैव द दिस एंजाइम एसिड कम्पोनट ऑफ ई सी एम दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड इट फैसिलिटेज टिश्यू डिसोसिएशन तो ये हेल्प करता है टिश्यू डिसोसिएशन में ठीक है फिर हम डाल सकते हैं सॉरी फिर अभी हम आ, एक प्रोसीजर देखते हैं जनरल प्रोसीजर क्या है सो टारगेटेड टिश्यू जो हमें चाहिए जिसके ऊपर हमें काम करना है हम उसे कलेक्ट करते हैं फिर वो जो टिश्यू है उसे हमें अच्छे से बहुत केयरफुली हैंडल करना है और उसे प्रिजर्व भी करना है क्यों क्योंकि उसमें जो सेल्स है वो जिंदा रहे उन, उनकी जो फंक्शनैलिटी है वो भी अच्छी रहे इसके लिए हमें उन सेल्स को अच्छे से प्रिजर्व करना है ठीक है हैंडल विथ केयर बाद में हम उन्हें क्या करेंगे इनक्यूबेट करेंगे सो फर्स्ट वी विल इनक्यूबेट इन अ बफर कंटेनिंग द सिलेक्टेड एंजाइम और एंजाइम्स एट अ ऑप्टीमल टेम्परेचर एंड पीएच फॉर स्पेसिफाइड ड्यूरेशन तो यहाँ पर हम एंजाइम्स डाल के इनक्यूबेट करेंगे कुछ समय के लिए जहाँ पर अच्छा उनको जो चाहिए वही टेम्परेचर वही पीएच मिले During this time, enzymes will break down the ECM उन दी एम कम्पोन एनेबलिंग रिलीज ऑफ इंडिविजुअल तो यहाँ पर क्या करेंगे जो एनजाइम्स है वो ECM यानी सेल सेल का जो बॉन्डिंग था सेल मैट्रिक्स का बॉन्डिंग था उसको ब्रेक कर देंगे और इंडिविजुअल सेल्स को रिलीज करेंगे यानी हमें सिंगल सेल्स यहाँ पर मिलने चालू हो जाएंगे लेकिन ये जो एंजाइम्स की रिएक्शन जो चल रही है वो कहीं पर हमें रुकानी पड़ेगी ओके आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम हमें एंजाइम uh, की एक्शन को न्यूट्रलाइज करना पड़ता है इसलिए हम बाद में क्या करते हैं वी नीड टू स्टॉप टू अवॉइड एक्सेस सेल डैमेज आगे वो एंजाइम्स ज्यादा सेल डैमेज ना करें इसलिए हम न्यूट्रलाइजेशन करते हैं तो ये कैसे करते हैं वी एड सुटेबल एंजाइम इनिबिटर्स और न्यूट्रलाइजिंग बफर्स टू द सेल सस्पेंशन तो इससे क्या होता है हम श्योर sure हो जाते हैं कि अभी जो एंजाइम्स हमने डाली थी वो अभी काम करना बंद कर देगी ठीक है द टिश्यू इज फर्दर डिसरप्टेड बाय जेंटल पिपेटिंग और फिल्ट्राइजेशन टू ऑब्टेन सिंगल सेल सस्पेंशन तो आगे जो टिश्यू डिस्ट्रप्ट हुआ है उसे हम जेंटली फिल्टर करके हम सिंगल सेल सस्पेंशन पा सकते हैं ओके okay? अभी टू मिनिमाइज मोर सेल डैमेज कितना करना है और न्यूट्रलाइजेशन कब करना है यह आपको पता होना चाहिए ठीक है अभी देखते हैं ट्रिप्सिनाइजेशन के बारे में सो so, ट्रिप्सिनाइजेशन दो तरीके से हम कर सकते हैं फर्स्ट इज वार्म सेकेंड इज कोल्ड ट्रिप्सिनाइजेशन ओके

फिर हमने उसको रिमूव करने के लिए जो एंजाइम सोल्यूशन में हो, उसको रिमूव करने के लिए हमने किया, ठीक है? Now, useful for disaggregation of large amount of tissue. अगर लार्ज अमाउंट ऑफ टिश्यू है जिसे हमें डिसग्रीगेट करना है इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तब हम वॉर्म ट्रिप्सिनाइजेशन यूज करते हैं ठीक है लेकिन दिस मे डैमेज सेल वायबिलिटी ओके अभी देखते हैं कोल्ड ट्रिप्सिनाइजेशन के बारे में सेम प्रोसीजर है बस यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो है फोर डिग्री सेल्सियस ठीक है ओवर नाइट हमें इंक्यूबेशन करना है तो देखिए यहाँ पर सिर्फ आधे घंटे में काम हो रहा है लेकिन यहाँ पर हमें ओवर नाइट इंक्यूबेशन करना पड़ता है ओ एन इज ओवर नाइट देन वी डू न्यूट्रलाइजेशन फिर हम करते हैं सिंट्रिफिकेशन टू रिमूव ट्रिप्सिन एंड हियर इट गिव्स यू हायर इल्ड ओके विच इज यूजफुल फॉर माउस चिक एम्ब्रियोस ठीक है इसके बाद क्रिप्सनाइजेशन भी हमारा हो गया तो हम क्या करेंगे हम आगे जाके फिल्ट्रेश फिल्ट्रे, फिल्टरिंग करेंगे एंड हमारा जो सस्पेंशन है सेल सस्पेंशन वो हमें मिल जाएगा ठीक है नाउ यू कैन सस्पेंड योर सेल्स इन मीडिया फॉर ग्रोथ ठीक है तो ये था हमारा आज का सेकेंड पार्ट तो आई होप अभी आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो रही है यहाँ पे कुछ कॉमन सेल लाइंस मैंने दिए हैं अगर आपको रेफर करने हैं एग्जांपल्स चाहिए थियरी में आपको आंसर लिखने के लिए भी इसकी जरूरत पड़ सकती है सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू डू लाइक माई वीडियोज डू शेयर दिस वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू